चल कोई नहीं। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफेदों के नागरिक अस्पताल में। हम आपको बता दें कि आज सफेदों उपमंडल का गांव जो पाजू कला है, वहां का एक बच्चा था 5-6 साल का, जो अपने चाचा के साथ बाइक पर बैठकर आ रहा था और बाइक से गिरने की वजह से उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है, जिसका अभी पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ करी है। सामने देख सकते हैं सिटी थाना प्रभारी जो राम कुमार हैं, वो खुद मौके पर पहुँचे हैं घटना के बाद, और उन्होंने खेद व्यक्त किया कि जब ऐसी घटनाएँ होती हैं तो काफ़ी दुख होता है पुलिस को भी ऐसी घटनाएं देख के। इसी कड़ी में हम बात करें, जो परिवार के लोग हैं उनसे बात कर लेंगे। तो जो चाचा थे उसके साथ, जिसकी बाइक पे वो बैठ के गया हुआ था, जो बाइक से गिरने के बाद हुआ है, उसी से जानकारी लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुरजीत है जी। सुरजीत, हाँ जी। किस समय घटना ये बाइक पा रहे थे जी, अचानक गाय आ गई जी, तो बैलेंस बिगड़ने के कारण बच्चा नीचे पड़ गया जी, तो उसके बाद ये घटना हुई जी। तो बच्चे की यहाँ मौके पर ही मौत हो गई थी? नहीं जी, यहाँ आके हुई जी, हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो यहाँ बच्चे के दादा, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम आपका सर? राम मेरे जी। कैसे हुआ शादी? मैं तो गांव में था जी, देखिए मेरे को तो मालूम नहीं है कैसे हुआ। हैं, तो बच्चा सुबह किस टाइम निकला था घर से? सुबह 10 बजे निकले थे। 8 बजे से? 8 बजे, 8 बजे निकले। हाँ जी। क्या नाम, क्या नाम था बच्चे का? सुमित मान। सुमित मान। हाँ। कितनी उम्र थी इसकी? 5 साल का था। 5 साल का था। हाँ। तो क्या आपका पोता लगता है? मेरा पोता था जी। कितने भाई बहन थे ये? 2 बहन भाई, एक बहन है, एक भाई, एक लड़का। बहन बड़ी है? छोटी है। बहन छोटी है। हाँ जी। आप देख सकते हैं यहाँ जो दो एक हादसा हुआ है, यहाँ पाजू कला गाँव से जो था बच्चा, उसके दादा और जो चाचा है जिसके बच्चा वो बाइक पे सवार था, उन्होंने बताया कि बाइक से जब वो लेकर आ रहे थे, उन्हें तो अचानक वो बाइक से गिरा गाय सामने आने की वजह से, और जिसकी वहाँ हॉस्पिटल में लाने के बाद यहाँ मौत हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं SHO राम कुमार, इनसे बात करते हैं। सर किस तरह, क्या मामला आया आज हमें? ये हमारे को जो ये बाइक चला रहा था, ये बता रहा है कि मैं किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था और वहाँ से वापिस आने लग रहा, लड़का मेरे पीछे बैठा हुआ था, मेरी बाइक के आगे जो है ना कोई गाँव आवारा पशु आगे आए हैं, एकदम मैंने कट मारा, कट मारने के उपरांत वो बच्चा नीचे गिर गया, नीचे गिरने से उसका पेट फट गया और उसके बाजू बायां बाजू अलग हो गया। और तो अलग सर आपने मौके पर गए थे? आप मौके पर गए थे तो क्या लगता आपको? मौके पर ऐसा है जी, मौके पर फिलहाल वहाँ थोड़ा खून पड़ा, बाकी और कोई ऐसा नहीं है, साइड में सीधा रोड से ही ये पता लगता है कि ना तो किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो रहा, एक्सीडेंट का कोई नज़र नहीं आया वहाँ हमारे को। मौके पर फिलहाल कोई आदमी था नहीं बताने वाला, मौके पर तो यही आदमी था जिसके साथ बच्चा था, ये इसके घर वाले आ रहे हैं साथ में, ये कह रहे हैं कि भाई हमारा इसके बयान पर जो हमारा जो इसने बताया हमारा पेटा भर गया है, हम इसी के अनुसार जो हम यही कार्रवाई करवा रहे हैं, बाकी हम और किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। चलिए इसी बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि SHO राम कुमार ने बताया कि परिजनों का कहना है कि हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, तो इसी कड़ी में बात इनके परिजनों से भी कर लेते हैं कि उनका इस बारे में कह रहा है। जैसा कि अभी SHO साहब ने बताया कि आप लोग किसी के भी खिलाफ इस मामले को लेकर, इस दुर्घटना को लेकर जिसमें आपके बच्चे की मृत्यु हो गई है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप SHO राम कुमार के इस बयान से सहमत हैं? सहमत है जी, हम राम कुमार साहब के जो है नहीं सहमत हैं जी, हम कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाऊंगा कोई भी। हाँ, कोई पुलिस, हाँ ना जी, किसी का दबाव नहीं हमारे पर, हाँ कोई किसी का दबाव नहीं है। अपनी मर्जी से आप किसी अपने ना जी, कोई कार्रवाई नहीं चाहूँगा। आप लड़के के दादा है ना? हाँ जी, बाप हूँ मैं, लड़के का बाप हूँ। हाँ मेरा पोता है जी, मैं दादा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं जो ये घटना हुई है उसे लेकर परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते, और जैसे कि SHO राम कुमार जो सिटी थाना प्रभारी, उन्होंने भी बताया कि परिजनों की कहे अनुसार उन्होंने बयान दर्ज किए हैं और पोस्टमार्टम परिजनों के कहे अनुसार सर आपने जो मुकदमा ये दर्ज किया है और जब जो पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव सौंपने की बात कही है। तो बने रहिए आप लगातार ग्राउंड में, अगली अपडेट के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, सफेदों के नागरिक अस्पताल से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।